सुंदरी पूर्व इंतम महिला एकत्र होऊन एक मोठा हळदी कुंकुम कराची एक 15 वर्षाची आमची परंपरा आहे. हा 15वा वर्ष आहे आणि तुम्ही बघतात की महिलांमध्ये किती उत्साह आहे. महिलांना आम्ही रोजगार देतो. महिलांना काही अडीअडचणी आली तर आमची संस्था त्यांच्याबरोबर उभी राहते. भारतीय जनता पार्टी आणि जीवनज्योत प्रतिष्ठान दोघे म्हणून गेले 15 वर्षात अंधेरी विभागामध्ये आम्ही काम करतो. आता आमच्यासाठी एक थायलंडची एन जी ओनी दखल घेतली आहे आणि ते थायलंडचे एन जी ओचे लोक आलेले आहेत आणि तो थायलंडची एन जी ओ आणि आमची एन जी ओ दोघे मिळून अंधेरी विभागात महिलांना रोजगार देणार आहे, युवकांना रोजगार देणार आहे. ह्याच्यामध्ये जे लागवण लागणार आहे तो थायलंडची एन जी ओ मला सहकार्य करणार आहे आणि युवकांना रोजगारसाठी काही एजन्सीज घेतलेली आहेत. महिलांना गृहउद्योगसाठी महिला घरी बसून 500,000 रुपये रोजचे कमवू शकता अशा उद्योग आणण्याचा प्रयत्न आमचा आहे आणि पुढच्या दिवसात आम्ही चालू करू. ओके, आणि या कार्यक्रममध्ये सर्वात जास्त कोणाचा सपोर्ट भेटला आहे तुम्हाला 15 वर्षापासून सतत? महिलांचा सपोर्ट आहे. महिलांना बचत गट आहे. बचत गटच्या माध्यमातून पूर्ण अंधेरीत घराघरापर्यंत आम्ही पोचलो आहे आणि महिलांना स्वतःहून वाटतं की आपण काहीतरी करा असं वाटलं तर महिलांना स्वतःहून पुढाकार घेतला आणि आम्ही या संघटना उभी केली. आजच्या कार्यक्रमात एकंदर किती महिला या कार्यक्रमात सहभागी झाली? जवळजवळ 15 से 17 हजार महिलाचं आमचं टार्गेट आहे आणि दरवर्षी एवढ्या महिला असतात. ओके, थँक्यू. जनता को बताइए कि 15 साल हो चुके हैं और इतनी सारी महिलाएं आज यहाँ पे आई है तो क्या कहना चाहेंगे? पिछले 15 साल से इस अंधेरी विभाग में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम सामूहिक महिला मिलकर करती है. इसका ये 15वा साल है और इसमें 15 से 20 हजार महिला का सहभाग होता है. हर साल महिलाओं को हमारी एनजीओ की ओर से एक गिफ्ट दिया जाता है और अभी एक थाईलैंड की एनजीओ ने दखल लिया है कि अंधेरी में तुम महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे, युवकों के लिए अच्छा काम कर रहे. तो थाईलैंड के एनजीओ के लोग आए हैं और थाईलैंड की एनजीओ और हमारी एनजीओ का मर्ज होकर इस अंधेरी विभाग में हम रोजगार महिलाओं को देने वाले हैं, युवकों को रोजगार देने वाले हैं. महिला गृह उद्योग, महिला घर में बैठ के कुछ अपना व्यवसाय कर सके. प्रोडक्ट ऐसे हम लाए हैं जो महिला घर में बैठकर रोज का 1000-1200 का काम कर सके. कुछ एजेंसियां हमारे पास है वो सब महिला और युवकों के लिए रोजगार आने वाले दिन में थाईलैंड की एनजीओ और हमारी एनजीओ दोनों मिलकर इस विभाग में काम करेगा. थैंक यू सर, थैंक यू. से जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और जितनी महिलाएं यहाँ पर आई है, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील होता है जब एक जगह पे इतनी सारी महिलाएं भी है जिसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे तो लगा भी नहीं था, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतने बड़े तादाद में सब औरतें यहाँ इकट्ठा होंगी, क्योंकि नॉर्मली हल्दी कुमकुम जैसा एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा पूरा अंधेरी ईस्ट ही आया हुआ है. और मतलब जो एनर्जी और
और जो उत्साह दिख रहा है सारी औरतों में वो मतलब देखने जैसी है। मैंने आज तक इतना बड़ा हल्दी कुमकुम में आज तक मतलब मेरे पूरे करियर में कभी नहीं गई हूँ। बहुत खुशी हुई कि महिला एक दूसरे के लिए खड़ी हो रही है, एक दूसरे का सहारा बन रही है, ताकत बन रही है। आई थिंक अगर ऐसा ही चलता रहे तो मेरे ख्याल से दुनिया का आई थिंक वुमन विल टेक ओवर द एंटायर वर्ल्ड। रोजगार के लिए भी ये लोग इनिशिएटिव लेने वाले हैं, तो उस बारे में कुछ बेस्ट नहीं अच्छा है ना, अगर रोजगार के लिए भी अगर वो कुछ कर रहे हैं जैसे भी मतलब अगर घर से कर रहे हैं, या क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आई थिंक हाउस वाइफ ही है, अगर वो घर से काम कर रही है तो उल्टा अच्छा है ना। काम करना जरूरी है, फिर वो आप अपना घर संभाल के, अपने बच्चों को संभाल के, पति को संभाल के अगर आप अपना घर से काम कर रही, तो आई थिंक इट्स नथिंग लाइक इट। थैंक यू।